तो चलिए दोस्तों, फटाफट आप जुड़ जाइए और क्लास को अटेंड कीजिए। आज जो है कि वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आए हैं, और इस वन लाइनर क्वेश्चन में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो फटाफट से सभी आदमी जुड़ जाइए और क्वेश्चन को देखिए। चलिए, सभी आदमी को गुड इवनिंग, और फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि सेम आर यूज्ड इन वेल्डिंग, मतलब है कि सभी वेल्डिंग में प्रयोग किए जाते हैं, क्या प्रयोग किए जाते हैं? तो सभी वेल्डिंग में क्या है, रोलर इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रोलर इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा रोलर इलेक्ट्रोड। दूसरा क्वेश्चन जो है कहता है कि व्हाट फ्लक्स इज यूज्ड इन SMAW वेल्डिंग, मतलब देखिए SMAW का क्या मतलब होता है, ये हो जाएगा आपको शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। तो यहाँ पे कहा गया है कि SMAW वेल्डिंग में कौन सा फ्लक्स प्रयोग किया जाता है? तो दानेदार फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है कि विच मेटल फील्ड रॉड इज यूज्ड टू वेल्ड कास्ट आयरन, मतलब है कि कास्ट आयरन को वेल्ड करने में किस धातु फिलर रॉड का प्रयोग किया जाता है? तो कास्ट आयरन को वेल्ड करने के लिए कौन सा धातु चाहिए? तो सुपर सिलिकॉन कास्ट आयरन चाहिए। ठीक है, सुपर सिलिकॉन कास्ट आयरन, तब जा करके कास्ट आयरन को वेल्ड हम कर पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कास्ट आयरन को वेल्ड करने के लिए कौन सा फिलर रॉड प्रयोग किया जाता है? तो सुपर सिलिकॉन कास्ट आयरन प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर है कि विच मेटल फिल रॉड इज यूज्ड व्हेन वेल्डिंग रॉट आयरन। ठीक है, तो रॉट आयरन को वेल्ड करते वक्त किस धातु का फिलर रॉड प्रयोग होता है? ठीक है, रॉट आयरन को जब हम वेल्ड करते हैं उस वक्त कौन सा फिलर रॉड का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा माइल्ड स्टील क्लैड कॉपर क्लैड। ठीक है, तांबे की परत चढ़ी माइल्ड स्टील, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद है आपको कि व्हाट इज गैस मेटल आर्क वेल्डिंग कॉल्ड, मतलब गैस मेटल आर्क वेल्डिंग को क्या कहा जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का मतलब होगा GMAW। ठीक है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, तो आंसर हो जाएगा GMAW। सिक्स नंबर है कि स्पॉट वेल्डिंग इज द टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड, मतलब स्पॉट वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की टिप होती है। कैसा टिप होता है? तो डिफरेंट साइज के होते हैं। ठीक है, अलग आकार, मतलब अलग अलग आकार के होते हैं। यहाँ पे हिंदी में गलत हो गया है, ठीक है, तो इंग्लिश वाले को देख करके समझ सकते हैं। डिफरेंट साइजेस का मतलब अलग अलग साइज के होते हैं स्पॉट वेल्डिंग के टिप, उसके इलेक्ट्रोड का टिप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवन नंबर। सेवन नंबर कहता है कि इलेक्ट्रॉन इज इन 11G वेल्डिंग, मतलब क्या होता है, 11G वेल्डिंग में इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, खर्च होता है। ठीक है, इंग्लिश में उसको एक्सपेंस बोलेंगे। 11G वेल्डिंग में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट है एट नंबर, और एट नंबर कहता है कि पोस्ट हीटिंग इन ब्रोज वेल्डिंग इज, मतलब ब्रोज वेल्डिंग में पोस्ट हीटिंग की आवश्यकता डैश है, मतलब होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, तो नहीं होता है। ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड, ब्रोज वेल्डिंग में पोस्ट हीटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आपको
देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। तो 9 नंबर कहता है कि वाई इज वेल्डिंग ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम बेनिफिशियल, मतलब वेल्डिंग ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम क्यों लाभदायक है। तो लाभदायक क्यों है, तो यह धातुओं को ऑक्साइड नहीं बनने देती है। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम जो है क्या करती है कि धातु को ऑक्साइड नहीं बनने देती है। ठीक है, इंग्लिश में दिया है इट इज नॉट अलाउ मेटल्स टू फॉर्म ऑक्साइड्स। ठीक है, चलिए 10th नंबर क्वेश्चन है कि बाई विच साइंस इज द वेल्ड सरफेस डिटेक्टेड। तो वेल्ड सतह का पता किन चिन्हों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो वेल्ड सतह का पता किन चिन्हों के द्वारा करते हैं, तो सप्लीमेंट्री चिन्हों के द्वारा वेल्ड सतह का पता करते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लार्ज होल्स इन द फॉर्म ऑफ बबल्स व्हाट वेयर लेफ्ट इन द वेल्ड मेटल व्हेन इट केम इन इट्स सॉलिड फॉर्म। मतलब बुलबुले के रूप में बड़े छिद्र जो वेल्ड धातु में इसके ठोस रूप में आते समय रह गई गैसों के कारण पैदा होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, जो बुलबुले के रूप में छिद्र जो बुलबुले के रूप में बड़ा छिद्र जो वेल्ड धातु में ठोस के रूप में आता है, उसको उसके गैस उसमें जो गैस रह जाता है उस गैस को हम क्या कहते हैं। ठीक है, उस चीज़ को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्लो होल उसको बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ब्लो होल। नेक्स्ट है कि विच फ्लक्स इज यूज फॉर वेल्डिंग कॉपर। मतलब तांबे की वेल्डिंग के लिए कौन सी फ्लक्स प्रयोग किया जाता है, तो कॉपर सिल्वर का प्रयोग किया जाता है तांबे की वेल्डिंग के लिए। ठीक है, और तांबे की वेल्डिंग करते हैं उसको हम ब्रेजिंग बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि रंगम मेटल वेल्डिंग रॉड इज यूज्ड। मतलब रंगम मेटल वेल्डिंग रॉड का प्रयोग होता है, तो कहाँ होता है, तो ब्रास कास्टिंग में होता है, जिसको बोलते हैं पित्तल की ढलाई के लिए रंग मेटल वेल्डिंग रॉड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है 14 नंबर कहता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ पाइप वेल्डिंग रॉड। मतलब पाइप वेल्डिंग रॉड किस उपयोग में आता है। ठीक है, पाइप वेल्डिंग रॉड जो है कि पाइपों को जोड़ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, इन मेकिंग ज्वाइंट ऑफ पाइप। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए प्रयोग की जाती है न्यूट्रल फ्लेम। ठीक है, माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो न्यूट्रल फ्लेम प्रयोग किया जाता है। 16 नंबर है कि प्लेट वेल्डिंग इज ए वेल्डिंग। मतलब जो प्लेट वेल्डिंग है वो कैसा वेल्डिंग है। ठीक है, तो वह एक फ्यूजन वेल्डिंग है। इसका आंसर हो गया फ्यूजन वेल्डिंग। 17 नंबर है कि विच आर्क इज यूज्ड इन कॉपर वेल्डिंग। मतलब तांबे की वेल्डिंग में किस आर्क का प्रयोग किया जाता है, तो शॉर्ट आर्क का, मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। आंसर है यहाँ शॉर्ट टेम्पर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन ये भी तो विदाउट ऑप्शन है। चलिए 18 नंबर है कि डिटेल्स ऑफ वेल्डिंग मेथड आर गिवन। मतलब वेल्डिंग विधि का विवरण दिया जाता है, कहाँ पर दिया जाता है, तो एट द टेल, मतलब टेल पर दिया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग सिंबल द्वारा पता चलता है। वेल्डिंग सिंबल के द्वारा क्या पता चलता है, तो जोड़ के प्रकार और वेल्ड फिनिश का पता चलता है वेल्डिंग सिंबल के द्वारा।
जितने भी बिल्डिंग सिंबल है उससे पता चलता है। देखिए जो एकदम परफेक्ट है ओके है उसका भी सिंबल हो गया, जो थोड़ा सा खराब है उसका भी सिंबल होता है, ठीक है ना। तो बिल्डिंग के जितने भी टाइप्स होते हैं वो सब में जो है कि कुछ न कुछ सिंबल दिया गया है, और उस सिंबल के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि बिल्डिंग का कंडीशन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन का हम वन लाइनर क्वेश्चन लाए थे, और इसमें जो है कि वन लाइनर क्वेश्चन था कुछ, तो हम सोचे ही कि चलिए आप लोगों को भी बता दिया जाए। और वैसे तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं, और देखिए ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, केवल आपको आंसर बता रहे हैं, ठीक है। फुली एक्सप्लेन क्लास करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा आराध्या एकेडमी ऐप का, और उसको आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं फ्री में, और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज हो जाए वेल्डर से, ठीक है। चलिए, एट द एंड ऑफ गैस वेल्डिंग विच गैस शुड फर्स्ट बी क्लोज इन द ब्लो पाइप, मतलब गैस वेल्डिंग समाप्त करने पर ब्लो पाइप में किस गैस को पहले बंद करना चाहिए। ये तो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कराया था, तो आंसर इसका क्या है, एसिटिलीन, ठीक है। तो ये रहा आपका 20 क्वेश्चन का एक सेट, और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। वहाँ से ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा कि एकदम मिनिमम फी है, मात्र मात्र 399 रुपया है, और 399 रुपया में आपको पूरे 1 ईयर का वैलिडिटी मिलता है, ठीक है, पूरे 1 ईयर का वैलिडिटी मिलता है। और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, मतलब मॉक टेस्ट जिसको कह सकते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा इसमें फ्री में। लगभग 5 मॉक टेस्ट मिलेगा आपको फ्री में, जिसमें आप ऑनलाइन सेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरा स्कोर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। और PDF अनलिमिटेड जितने भी क्लास होंगे वे सारे क्लास का आपको PDF भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसमें फ़ायदा नंबर क्या है, फ़ायदा ये है कि आपको फुली एक्सप्लेनेशन के साथ तो चैप्टर वाइज कराएंगे ही, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सेट देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको 399 रुपया बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, आप कहीं भी जो है कि पॉकेट पॉकेट मनी से भी खर्च कर सकते हैं, या 399 रुपये तो बहुत कम होता है, मतलब आपका 1 से 2 दिन का पैकेट मनी होगा, ठीक है। किसी किसी का एक ही दिन का होता है, 300-400 रुपया तो ऐसे ही खर्चा कर देते हैं। तो अगर पढ़ाई में खर्चा कर लेते हैं तो बेनिफिट ये होगा कि आपको नॉलेज हो जाएगा, और किसी भी एग्ज़ाम में जो है कि टेक्निकल एग्ज़ाम में सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। यदि कोर्स को ज्वाइन कीजिए सिलेक्शन हम करवाएंगे, और फॉर्म कौन सा भरना है ये भी आपको हम गाइडलाइन करेंगे कि कौन सा फॉर्म आप भरेंगे ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए, ठीक है। तो जितने भी फॉर्म्स निकलते हैं टेक्निकल के उसका भी जो है कि आपको हम वीडियो बना करके बता देंगे कि हाँ इस फॉर्म को आप भरिए, और इसमें जो है कि क्या क्या सिलेबस होगा, वो सारे सिलेबस को भी हम कवर कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सो थैंक यू, बाय।